नेहा बंसल और आप देख रहे हैं राइट मिरर। नमस्कार, मैं हूं अरुण कमल और आप देख रहे हैं राइट मिरर, देश का अपना चैनल। दोस्तों, देश का एक नागरिक जो मुंबई के एक 5-स्टार होटल में लोगों को खाना खिलाता था, हेड कुक था वो, और लोगों की दुआएं लेना, उनको खाना खिलाना, उनके आगे प्यार परोसना उसका काम था। लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि हजारों लोगों को खाना खिलाने वाला वो खुद एक दिन जेल की रोटियां खाएगा। और फिर उसे एक दिन पुलिस ने पकड़ा और अदालत ने उसे जेल में ठूंस दिया। न तो इसकी कोई सुनवाई हुई, ना ही उससे किसी ने उसका दुख दर्द पूछा। और फिर 7 सालों तक वो इंसान जेल की रोटियां तोड़ता रहा। लेकिन जेल में उस व्यक्ति का पूरा परिवार बिखर गया, जिंदगी तहस नहस हो गई। उस इंसान का नाम है गोपाल शेटे, जिसे 7 साल की सजा हुई झूठे रेप केस में। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और वो जेल से बाहर आया और उसने RTI डाला, कानून, उसी कानून का सहारा लिया जिस कानून ने उसे झूठे केस में अंदर किया था। उसने फाइट की और एक बार फिर उसी अदालत ने उसे बाइज्जत बरी किया जिसने उसे 7 साल की सजा सुनाई थी। तो दोस्तों, वो गोपाल शेट्टे आज भी कानून के साथ साथ कानून के आला अधिकारियों, राजनेताओं और भ्रष्ट शासन और प्रशासन से लड़ रहा है। आज उसे मुंबई छोड़कर नागपुर में शिफ्ट होना पड़ा। मुझे खबर मिली कि वो नागपुर से आए हैं, तो आइए हम मिलते हैं उनसे, जिनका नाम है गोपाल शेट्टे। नमस्कार गोपाल जी, कैसे हैं आप? मुझे पता चला कि आप मुंबई आए हुए हैं, तो बताइए क्या हालात हैं आपके और मुंबई आना क्यों हुआ? क्यों आए हैं? हाँ, मुंबई में मेरा आने का मतलब ये है कि अभी आने वाले दिनों में 7 दिसंबर से हिवाली अधिवेशन नागपुर में जो शुरू होने वाला है, तो उसी सिलसिले में मैं प्रकाश आंबेडकर साहब से, जो बहुजन वंचित बहुजन पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है विकास प्रकाश आंबेडकर साहब, मैं उनकी सलाह मशवरा लेने के लिए आया था कल। और मैं राजभवन भी गया था दादर में, फिर वहाँ भी मेरी मुलाकात नहीं हुई क्योंकि 6 दिसंबर के प्रोग्राम में वो काफ़ी सभा में बिजी है उसके कारण। फिर मैं अंबेडकर भवन में गया था दादर में, जहाँ उनका कार्यालय, वहाँ पे भी गया तो मुझे वहाँ पे भी मेरी मुलाकात नहीं हुई। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे कि मुझे न्याय नहीं मिला, मेरे साथ जो जुमलाबाजी हो रही है, मुझे जो अभी तक न्याय के वंचित रखा हुआ है, काफ़ी सरकार ने मुझे एकदम मुझे पीड़ित की लाइफ जीने के लिए मुझे मजबूर कर दिया है। तो उसी सिलसिले में मैं प्रकाश अम्बेडकर जी का सलाह लेने वाला था, तो भी कोई बात नहीं, मैं मुंबई आया, मेरा दर्शन, उनसे मुलाकात तो नहीं हुई। पर मैं अभी अधिवेशन में, जो कल होने वाला अधिवेशन है 7 दिसंबर से नागपुर में, उस अधिवेशन में मैं अपने प्रश्न रखा हुआ है, अपने प्रकरण को रखने के लिए मैंने वहाँ पे प्रोसेस कर दिया है। अभी कल से देखना है मुझे कि वहाँ पे मुझे रियल में, अगर हमारे पास न्याय है, हमारा न्याय है हमारे देश में जिंदा, तो मुझे डेफिनेटली इस अधिवेशन में मेरे विचार को रखा जाएगा, मेरे प्रकरण को रख के मेरे साथ जस्टिस होगी, ऐसी एक मुझे उम्मीद है, ये उम्मीद से मैं आया था जी। तो मैंने सुना है आजकल आप नागपुर में रह रहे हैं, तो मुंबई छोड़कर नागपुर रहने का क्या मतलब? आपने देखा होगा कि मेरे ऊपर, मुझे अभी इतने सालों से मैं जो फाइट कर रहा हूँ ये सिस्टम से, और मैं निर्दोष होने के बाद जब मैं यहाँ पे अपने पुनर्वसन की भी मांग की, मुझे कोई अभी तक जस्टिस, मैं गरीब होने के कारण मुझे न्याय भी नहीं मिला, न्याय के वंचित रखा सरकार ने, शासन ने और प्रशासन ने मेरे साथ जो दुर्लक्ष्य किया हुआ है, तो इसी के कारण मैं, ये न्याय से दूर होने के कारण मैं, न्याय की मेरी उम्मीद टूट गई, न्याय से बहुत ही दूर होगा, इसके कारण मैं अपने गांव की तरफ नागपुर चला गया हुआ है। और एक फाइनली, एक मुझे अभी एक सोच से फाइनली मैं, एक मुझे पूछना है डेट, मेरी न्याय अगर है तो न्याय की डेट भी पूछना है इसी अधिवेशन में मुझे। और जो मेरे प्रकरण के अंदर देवेंद्र फडणवीस ने जो ऑर्डर किया हुआ है, 2 साल हुआ और जो ऑर्डर करके भी उसका पालन नहीं हुआ, कि वो ऑर्डर को एकदम कचरे में डाल दिया गया, तो उसके वही संदर्भ में मैं सारे मेरे प्रश्न सवाल वहाँ पे कल रहेगा अधिवेशन में।
गोपाल जी, जैसा कि सभी जानते हैं आपके साथ बहुत बुरा हुआ, तो क्यों सरकार आपकी सुन नहीं रही है? अब तक आप कौन कौन से राजनेताओं के पास गए हैं अपने मुद्दे को लेकर? अच्छा गोपाल जी, आपको जो न्याय नहीं मिल पा रहा है, जो खुद सरकार से यानी कि गवर्नमेंट से गलती हुई, आपके ऊपर जुड़ा केस हुआ, आपने उसकी सजा भी काटी जी, तो उसका भरपाई के लिए आप कौन कौन से बड़े नेताओं से मिले और उन्होंने क्या कहा? जी पहली बात तो ये कि मेरी तो न्यायिक लड़ाई है, और न्यायिक लड़ाई होने के बाद भी सरकार जिम्मेदार है मेरे प्रकरण के अंदर। और आपने सही सवाल किया कि मैं किस किस मंत्री को मिला। जैसे कि राज्य सरकार में बैठे जितने भी मंत्री है, मेरे सारे मंत्री से मुलाकात होगी, लेकिन वो लोगों ने मुझे सिर्फ आर्थिक मदद के हिसाब में, मुझे जैसे कि थोड़े बहुत ऐसी मदद करने के हिसाब में हाथ बढ़ाया, 5-10 हज़ार रुपये दे के मुझे एक खोटे खोटे आश्वासन दिए, परंतु न्याय मुझे नहीं दिया। मुझे जो ऐसा परिपूर्ण न्याय चाहिए वो न्याय मुझे नहीं दिया। जैसे कि मेरा सब कुछ 7 सालों में सब कुछ खोया था, मेरे पास अन्न वस्त्र निवारा, मेरे मौलिक अधिकार, मेरे फंडामेंटल राइट, इसकी मैंने मांग की हुई है, परंतु यही मांग मेरी पूरी नहीं किया हुआ है, कोई मंत्री ने अभी तक पूरी नहीं किया हुआ है। और काफ़ी अधिवेशन धरना में कर चुका हुआ है, बम्बई, दिल्ली, नागपुर में, तो भी मुझे खोटे खोटे आश्वासन दिया हुआ। अभी ये फाइनली ये अधिवेशन होगा जिसमें मैं न्याय की एक गुहार लगा रहा हूँ, और न्याय की उम्मीद भी जता रहा हूँ, और न्याय मांगने का पूरा प्रयास भी करूँगा। गोपाल शेट्टी जी, जैसे कि आपका मामला सबको वैसे तो पता है, सारे मीडिया में भरा पड़ा है, और सबको पता चला है कि आपके साथ झूठा रेप केस का केस हुआ, और सरकार ने आपको 7 साल की सज़ा दी, उसके बाद आपको बाइज्जत बरी किया गया, तो आपके साथ बहुत गलत हुआ, आपका कैरियर भी ख़राब हो गया, फैमिली भी ख़राब। तो एक्चुअल में दो शब्दों में बताइए हमारी जनता को कि आपके साथ एक्चुअल क्या हुआ, और इसके बाद अब क्या हो रहा है, और आखिर आप गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं, और वो क्या चीज़ है जो आपको नहीं मिल पा रही? मैं ये चाहता हूँ, अगर कानून की प्रक्रिया सबके लिए समान, तो मेरे साथ भी न्याय होना था। आज मेरे जगह पे अगर कोई अमीर, कोई सलमान खान या कोई धीरू भाई, कोई भी बिजनेसमैन, एक्टर होता था, तो उसके लिए रातों रात न्यायालय के दरवाजे खुल जाती, या उनको जस्टिस मिल जाता या न्याय मिल जाता, ले और वो जो आरोपी होता उसके अंदर उसको शिक्षा भी हो जाती। लेकिन एक मेरे जैसे से कॉमन आदमी हो, एक मैं गोपाल शेट्टी, मैं तो ठीक है, मैं अपनी पढ़ाई, मैं LLB तक मैंने अपना डबल ग्रेजुएशन जेल के अंदर किया, और पढ़ाई लिख के आज मैं अधिकार की बात कर रहा हूँ। आज मैं वही, मेरी मांग है जो आप पूछ रहे हैं, मेरी मांग वही है कि जैसे जो गुनहगार है उसको शिक्षा होना चाहिए, और मैं निर्दोष हुआ तो मेरी जो मौलिकता जो छीनी गई, मेरी जो नागरिकता छीनी गई हुई है, तो मुझे मेरे मौलिक अधिकार मिलना चाहिए। जैसे मेरा अन्न वस्त्र निवारा मुझे तो चाहिए ना, वो तो मेरा सब 7 सालों में बर्बाद हुआ है, तो मेरी उसी की मांग है कि मुझे मेरे मौलिक अधिकार मुझे मिलना चाहिए। कानून की प्रक्रिया सबके लिए समान है, तो मुझे मेरे 7 साल की नुकसान भरपाई जो भी वो मिलना चाहिए, और मेरे प्रकरण के अंदर जो आरोपी है उनको शिक्षा होना जरूरी है। जब तक उनको शिक्षा नहीं होती तब तक मेरा परिपूर्ण न्याय मैं नहीं मानूंगा, और मैं इसको न्याय नहीं समझता हूँ। न्याय मुझे तभी लगेगा, आज ये समझिए कि जो लड़की के ऊपर बलात्कार हुआ था, वो भी लड़की किसी की माँ बहन, मेरी बहन बेटी जैसी है वो, उसके ऊपर जो रेप हुआ है, तो वो आरोपी को शिक्षा क्यों नहीं हो रही? वो आरोपी को तो पकड़ना चाहिए। अगर ये प्रकरण बड़ा लोग का रहता था, अमीर लोग का रहता था, तो कितना ये गंभीरता का विषय बन जाता था, सारे NGO या फिर महिला होती थी, कोई स्त्री होती थी, तो डेफिनेटली उसको भी न्याय मिल जाता था। लेकिन हमारे जैसे पीड़ितों का न्याय का क्या है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, और ये प्रश्न मेरा राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों के लिए। तो दोस्तों, देखा किस तरह से गोपाल शेट्टी अपनी परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, और फिर भी हिम्मत नहीं हार रहे हैं, वो लगातार अब भी लड़ रहे हैं इस भ्रष्ट शासन प्रशासन और भ्रष्ट राजनेताओं के साथ, और अपने हक की डिमांड आज भी कर रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, और साथ दीजिए गोपाल शेट्टी का। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल राइट मिरर। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्कार। अभी तक आप देख रहे थे राइट मिरर की खास रिपोर्ट। फिर मिलेंगे नई नई खबरों के साथ, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।